दरिया शहर बना टापू, कुदरत ने किया प्रहार, दुबई हुआ लाचार, बह गई गाड़ियां, डूब गए मकान, दुबई में बारिश का बर्बादी काल, 75 साल का टूटा रिकॉर्ड, दुबई झेल रहा आसमानी प्रकोप, सड़क पर समंदर जैसा मंजर, कई गाड़ियां पानी की तेज धार में बहती चली गईं, सड़कों पर जैसे सैलाब काल आ गया है। जरा देखिए कैसे सड़क पर बस और कार पानी की गिरफ्त में आ गई। जल दांडव की ये तस्वीरें दुबई की हैं, जहां भारी बरसात से सड़कों पर लबालब पानी भर गया। बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां पानी में तैरती नजर आई। बाढ़ के चलते सड़कों पर गाड़ियों की कतार लग गई। लोगों को गाड़ी से घर तक जाने में बहुत दिक्कतें हुईं। तेज बरसात के बाद पार्किंग के अंदर जल जमाव हो गया। पार्किंग का पूरा इलाका तालाब में तब्दील हो गया। सड़क से लेकर घरों तक को पानी ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। बरसात का पानी लोगों के घरों में घुस चुका है। 1949 के बाद दुबई में एक दिन में इतनी बारिश हुई है। दुबई से आई तस्वीरें बता रही हैं, कहीं सड़क पर सैलाब तो कहीं घर के बाहर पानी का पहरा। रिकॉर्ड तोड़ बारिश के बाद शहर डूबा डूबा सा दिख रहा है। भारी बारिश के चलते यहाँ हाहाकार मचा हुआ है। शहर की भव्यता को दिखाने वाले शॉपिंग मॉल्स बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। दुबई में भारी बारिश के साथ तूफान दोहरी आफत बनकर आया है। तूफान ने कई इलाकों में भारी नुकसान किया है। बरसात की वजह से पूरे संयुक्त अरब अमीरात में स्कूल बंद कर दिए गए। कुछ हिस्सों में 80 मिलीमीटर तक बरसात हुई है। दुबई में मौसम विभाग ने कई इलाकों में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। 15 अप्रैल की रात को यूएई, सऊदी अरब, बहरीन और ओमान में भारी बारिश की शुरुआत हुई। ये देखते ही देखते तूफान ने बदल गई। हालात ये हो गए कि दर्जनों शहरों में बाढ़ आ गई। रेगिस्तान के बीच बसे शहर दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तो बीते 24 घंटे में 6.26 इंच से ज़्यादा बारिश हुई है, जिससे दर्जनों उड़ानें या तो देरी से चल रही थी या रद्द हुई, जिसकी वजह से भारत, पाकिस्तान, सऊदी और यूके जाने वाले यात्री बेहद परेशान रहे। खाड़ी देशों में आई इस बाढ़ की वजह कुछ एक्सपर्ट्स क्लाउड सीडिंग यानी आर्टिफिशियल बारिश को बता रहे हैं। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि दुबई प्रशासन ने सोमवार को क्लाउड सीडिंग के जरिए बारिश कराने के लिए एक विमान उड़ाया था। इसके कुछ देर बाद ही खाड़ी देशों को भारी बारिश और बाढ़ का सामना करना पड़ा। बात करें क्लाउड सीडिंग की, तो जब नेचुरली कहीं बारिश नहीं हो तो आर्टिफिशियल तरीके से बादलों को बारिश में बदलने की तकनीक को क्लाउड सीडिंग कहते हैं। क्लाउड सीडिंग के लिए सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड और ड्राई आइस जैसे केमिकल्स को हेलीकॉप्टर या प्लेन के जरिए आसमान में बादलों के करीब बिखेरा जाता है। ये पार्टिकल हवा में भाप को अट्रैक्ट करते हैं, जिससे तूफानी बादल बनते हैं और आखिर में होती है बारिश। इस तरीके से बारिश होने में करीब आधा घंटा लगता है। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।